हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे शैम्पू का रिव्यू जो कि डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग परेशान हो चुके हो, आपको नहीं पता चल रहा है कि हम लोग डैंड्रफ के लिए कौन सा शैम्पू यूज करें, तो गाइस ये शैम्पू जो मैं आपका आज आपको बताने वाली हूँ ये आप बिना किसी टेंशन के यूज कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरा और भी आगे वीडियोस बनाने का बहुत ज्यादा मन करता है गाइस, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना मत भूलना। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस शैम्पू का मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो शैम्पू है मामा अर्थ का टी ट्री शैम्पू। डैंड्रफ की प्रॉब्लम के लिए आप बिना किसी टेंशन से ये शैम्पू यूज कर सकते हो। 100% आपको रिजल्ट देगा जब आप कॉन्टिन्यूसली इसे यूज करोगे। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और आपको शैम्पू नहीं पता चल रहा कि हम कौन सा शैम्पू यूज करें, तो गाइस बिना किसी टेंशन के आप लोग ये शैम्पू यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं टी ट्री ऑयल एंड जिंजर। इसमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स टी ट्री एंड जिंजर ऑयल दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। टी ट्री ऑयल जो है वो हमारे ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एक नेचुरल मॉइस्चर हमारे बालों में मेंटेन करता है। टी ट्री ऑयल में होती है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो कि हमारे स्कैल्प में ओवरग्रोथ ऑफ यीस्ट को बिल्कुल रोक देती है। हमारे स्कैल्प में ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से जो डस्ट पार्टिकल है वो आपस में क्लंपिंग कर लेते हैं, वो आपस में बिल्कुल जुड़ जाते हैं और जुड़ने की वजह से वो व्हाइट कलर की फ्लेक्स के फॉर्म में गिरने लगते हैं हमारे बालों से और हमारे स्कैल्प पे जमा हो जाते हैं। तो इसी की वजह से हमारा डैंड्रफ जो है बालों में वो रहता है। गाइस टी ट्री ऑयल जो है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होने की वजह से ओवर ग्रोथ ऑफ यीस्ट जो हमारे बालों में हो जाती है उसको ये बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है और साथ साथ हमारे बालों में एक नेचुरल सा मॉइस्चर जो है उसको मेंटेन कर देता है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो इसमें पाया जाने वाला है वो है जिंजर ऑयल। जिंजर ऑयल आपको पता है कि जिंजर बहुत ज्यादा बालों के लिए अच्छा होता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर लॉस जो है बालों का वो कम करता है और जिंजर के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। गाइस जिंजर में पाए जाने वाले विटामिन मिनरल्स एंड फैटी एसिड्स क्या करते हैं, हमारे बालों को स्ट्रेंथ देते हैं, हमारे बालों में हेयर लॉस जो होता है उसको भी रिड्यूस करते हैं, प्लस हमारे बालों को एक अच्छा सा टेक्सचर दे देते हैं। गाइस बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल मुझे ये लगा डैंड्रफ के लिए, प्लस हमारे बालों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी काफी अच्छा है ये शैम्पू। अगर आप लोग इसको यूज करोगे कंडीशनर के साथ तो और भी बेटर होगा। गाइस इस कंडीशनर के साथ यूज करने का ये फायदा है कि हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड बहुत ज्यादा सिल्की बना देता है कंडीशनर। अगर आप लोग कंडीशनर यूज करोगे तो आपके बाल बहुत ज्यादा टैंगल फ्री रहेंगे, जैसे आप बालों में हाथ लगाओगे बहुत ज्यादा सिल्की लगेंगे, स्मूथ लगेंगे आपके बाल। और बिना कंडीशनर के आप लोग डिफरेंस बिल्कुल फील कर सकते हो। आप लोग कंडीशनर यूज करके देखना और बिना कंडीशनर के बालों को देखना, बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस लगता है गाइस। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप लोग मामाअर्थ का टी ट्री एंड जिंजर ऑयल वाला ये शैम्पू यूज कर रहे हो तो इसी का कंडीशनर आप लोग यूज करो तो वो बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देगा। और अगर इसकी प्राइस की बात करें गाइस तो इसकी एमआरपी यहाँ पे लिखी हुई है दोनों की 349 ईच, दोनों 349 के हैं, लेकिन Amazon पे मैंने इसको बाय किया था वहां पे मुझे मिल गए थे 628 में, दोनों ही मिल गए थे तो थोड़ा सा डिस्काउंट वहां पे है। वैसे 698 में पड़ेंगे लेकिन Amazon से अगर आप लोग बाय करोगे तो वहां से आपको मिल जाएंगे 628 में। और इसकी क्वांटिटी जो है वो है 250 ml, तो काफी अच्छी है क्वांटिटी भी, आपका काफी बार इससे हेडवॉश हो जाएगा। तो गाइस एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, प्रीवियस वीडियोज में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक रेमेडी शेयर की थी स्पेशली डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए, तो वो रेमेडी अगर आप लोग यूज करेंगे प्लस साथ में ये भी शैम्पू यूज करेंगे तो आपको डबल फायदा होगा, तो आप लोग वो भी फॉलो करें और साथ में ये शैम्पू भी यूज करें। अगर आप लोग वो वीडियो को देखना चाहते हो तो अभी मैं ऊपर कार्ड में भी शो कर रही हूँ और साथ में मैं लिंक इसका वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर सकते हो। गाइस इस शैम्पू एंड कंडीशनर को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, हर दो दिन छोड़ के आफ्टर एवरी टू डेज
आपको शैम्पू एंड कंडीशनिंग अपने बालों की करनी है। इससे हर 2 दिन छोड़ के शैम्पू करने का मतलब ये है गाइस कि आपका स्कैल्प जो है वो क्लीन रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छे से साफ रहेगा। अगर हम लोग बहुत ज्यादा गैप डाल के अपना हेड वॉश करते हैं तो हमारे स्कैल्प में बहुत ज्यादा डस्ट, बहुत ज्यादा डर्ट आ जाती है। अगर हम लोग घर के अंदर भी बैठे हैं ना तो हमें पता नहीं चलता हमारे फेस पे, हमारे स्कैल्प पे, बालों में बहुत ज्यादा डस्ट जमा हो जाती है। तो गाइस जरूरी नहीं है कि हम लोग बाहर जाएं तो ही हमारे फेस पे, हमारे स्कैल्प पे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो रहते हैं। घर के अंदर रहने से भी हमें बहुत ज्यादा डस्ट जो है वो हमारे फेस पे, हमारे स्कैल्प पे, हमारे बालों में रहती है। अगर आप लोग को नहीं यकीन हो रहा है तो आप लोग चेक करना, कभी भी वेट वाइप को थोड़ा सा ऐसे यूज करके देखना, नहाने के बिल्कुल बाद में नहीं, थोड़ा टाइम बाद में, आप लोग नहाने के 2-3 घंटे के बाद में चेक करना, वेट वाइप लगा के देखना, आपके फेस से कुछ डस्ट जो है वो जरूर निकलेगी उस वेट वाइप को यूज करने के बाद में। तो अगर आप लोग 4-5 दिनों के बाद में अपना हेड वॉश करोगे तो आपके स्कैल्प में सोचो कितनी ज्यादा डस्ट आ जाएगी। हर 2 दिन के बाद हेड वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका स्कैल्प बिल्कुल क्लीन रहे, आपके हेयर बिल्कुल हेल्थी रहे, स्ट्रांग रहे, हेयर फॉल कम हो, आपकी डैंड्रफ नहीं हो, तो इसके लिए आपको हर 2 दिन के बाद हेड वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। और इस शैम्पू को आपने यूज करना है, पहले आपको बालों को रिंस कर लेना है शैम्पू के साथ, अच्छे से क्लीन कर लेना है, और उसके बाद में क्या करना है, पानी से अच्छे से शैम्पू करके रिंस करके बालों को, उसके बाद में आपको यूज करना है कंडीशनर। थोड़ी सी अमाउंट कंडीशनर की लेनी है और आपको बालों का जो स्कैल्प का एरिया है उससे 1 इंच पार्ट छोड़ के, 1 इंच का पार्ट छोड़ के बालों का, उसके बाद नीचे की लेंथ जितनी भी है बालों की वहां पे आपको कंडीशनर अच्छे से लगा देना है, और कंडीशनर को 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने देना है। उसके बाद में नॉर्मल पानी के साथ आपको अपने बालों को फिर रिंस कर लेना है, आपको दोबारा से शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिनको कंडीशनर यूज करने का नहीं पता है, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था, मुझे किसी ने पूछा था कि मैम कंडीशनर कैसे यूज करते हैं, आप हमें बता दीजिए, तो मैं इसीलिए ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो गाइस इसी तरीके से बस आपको यूज करना है इस शैम्पू को, और इसका 100% आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो मुझे ओवरऑल ये शैम्पू जो है वो बहुत अच्छा लगा, और जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं उसका रिव्यू मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। जो चीजें बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देती हैं उनका रिव्यू मैं आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करती हूँ गाइस। जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी उन सारे अच्छे प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया है। तो अब से जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो ये शैम्पू बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के यूज करके देखें, इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है गाइस ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, जिन लोगों को तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, तो इसे एक लाइक देना तो बनता है गाइस, तो गिव इट अ लाइक। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर दीजिए। तो चलिए गाइस अब मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।